हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के जंतुओं के बारे में पढ़ रहे थे, तो कुछ जंतुओं के बारे में हम पढ़ चुके हैं और आज इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का एक और जानवर जिसका नाम है लोयन टेल्ड लंगूर। ये भी क्या है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का जंतु है, यानी ये उस क्षेत्र के अंदर पाया जाता है। अब इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं, इसके अंदर कौन कौन से अनुकूलन होते हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका नाम आप याद रखते हैं, लोयन टेल्ड लंगूर। लोयन का मतलब आप जानते हैं, टेल्ड लंगूर, तो आप याद रख सकते हैं लोयन टेल्ड लंगूर। अब इसका एक और नाम भी है, वो नाम क्या है इसका, इसको दाढ़ी वाला एप, इनको एप्स बोलते हैं वैसे इन लंगूर को, तो इनका दूसरा नाम क्या है, दाढ़ी वाले। दाढ़ी वाले एप्स बोलते हैं इनको, ये क्या है इनका दूसरा नाम। और वैसे इनको लंगूर है, इनको एप्स बोलते हैं, तो इनको, इनका नाम क्या है इसका लोयन टेल लंगूर का, दाढ़ी वाला एप बोलते हैं। ये प्रेजेंट कहाँ होता है, अब इसकी आती है इसकी उपस्थिति, यानी कि ये पाया कहाँ जा रहा है। ये पाया जाता है पश्चिमी घाट के वर्षावनों में। और ये पश्चिमी घाट क्या थे, ये जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र थे, हम इनके बारे में पहले हम बता चुके हैं उस क्षेत्रों के बारे में। तो पश्चिमी घाट के जो वर्षावन होते हैं उनके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। अब इनके अंदर क्या क्या विशेषताएं पाई जाती है, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। अब आती है इनकी विशेषता, क्या क्या गुण है इनके। देखिए, ये जो जीव होते हैं इनका एक स्पेशल गुण होता है जिसको अयाल बोलते हैं। अभी अयाल क्या है, यानी कि इसका सिर उस सिर के चारों ओर और इसके गाल और ठोड़ी वहां तक बाल पाए जाते हैं, सफेद चांदी, जो बाकी शरीर का रंग अलग है और इसके ये जो अयाल है इसका रंग अलग है। तो ये अयाल कहाँ प्रेजेंट है, सिर के चारों ओर और क्या, इसके गाल यानी कि गालों तक और ठोड़ी तक, इसकी जो ठोड़ी होती है चिन, वहाँ तक ये अयाल प्रेजेंट होता है, यानी इसके शरीर का रंग अलग है और ये इतना इतना जो एरिया है वो अलग है। तो यहाँ पे आप इसके देख सकते हैं डायग्राम में कि बाकी शरीर का रंग अलग है और ये जो मुंह का एरिया है इसका रंग अलग है, और इसको हम क्या बोल रहे हैं, अयाल बोल रहे हैं। इस अयाल का रंग कैसा होता है, अब आता है इसका रंग, ये कैसा होता है, चांदी जैसा सफेद। कैसा रंग है इसका, चांदी जैसा सफेद, जिसको क्या बोल रहे हैं, अयाल। तो यहाँ पे अयाल क्या हो गया, यानी कि जो इसके सिर के चारों ओर इसके गालों तक थोड़ी तक प्रेजेंट होता है और चांदी जैसे सफेद रंग का होता है और बाकी शरीर से इसका रंग क्या है, अलग है। अब आगे आते हैं इसके लाइफ साइकिल के बारे में। ये क्या करता है, अपना जो जीवन है उसका लाइफ टाइम जो है अपना, वो पेड़ों पर ही व्यतीत करता है।
जीवन कहाँ व्यतीत होता है? पेड़ों पर। अपना लाइफ कहाँ बिता रहा है? पेड़ों पर। इसलिए इसके अंदर कौन सी शक्ति, कौन सी पावर हो गई, कौन सा करैक्टर हो गया कि ये पेड़ों पर आसानी से चढ़ सकता है, वृक्षों पर आसानी से चढ़ सकता है ये। ये क्षमता होती है इसकी कि क्या कर सकता है, आसानी से पेड़ों पर चढ़ सकता है। अब आगे आते हैं, ये तो हो गई इसकी विशेषता, आगे इसके की खाता क्या है, यानी कि इसका भोजन। मुख्य रूप से ये क्या करता है? फल खाता है। मुख्यतया क्या खाता है? फल। लेकिन सिर्फ फल ही अकेले नहीं खाता है, इसके अलावा बीज, पादप की कोमल पत्तियां, तने, फूल, इनको भी खाता है। मुख्यतः फल और इसके अलावा बीज, तने, पत्तियां, पुष्प या फूल, या फिर जो कलिकाएं निकलती हैं उन कलिकाओं को। ये क्या होती है? इसका भोजन होती है। इनको ये भोजन के रूप में ग्रहण करता है। तो ये हमने किस बारे में पढ़ा? इसके भोजन के बारे में। अब ये देखिए, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? जीवों के अंदर जो बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो कुछ जीवों की हमने पढ़ी, और अब हमारा कौन सा चल रहा है? लोयन टेल्ड लंगूर। इसके बारे में पढ़ रहे हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी विशेषताएं आती हैं। आप जानते हैं इन स्पेशल करेक्टर्स के बारे में, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं इन सब के बारे में। तो अब चल रही है इस लंगूर की विशेषताएं। तो हमने किसके बारे में पढ़ा? पहले इसके भोजन के बारे में पढ़ लिया। इसके अलावा ये देखिए, पेड़ पर रह रहा है, तो पेड़ पर क्या होता है? पेड़ की जो छाल होती है उसमें कोटर बने होते हैं, और बहुत सारे कीट वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या करता है? उन कीटों की तलाश करता रहता है भोजन के लिए। वृक्षों की छाल में रहने वाले कीटों की क्या करता है? तलाश करता रहता है, यानी कि उन छोटे छोटे कीटों को भी ये भोजन के रूप में ग्रहण करता है। और वैसे मुख्यतः ये क्या खा रहा है? ये फल, बीज, तने, पत्तियां जो सॉफ्ट पत्तियां होती है उनको, तो उन सब को भोजन के रूप में ये ग्रहण कर रहा है। अगली विशेषता आती है कि ये लंगूर क्या करते हैं? वृक्षों पर रहते हैं। इसका मतलब क्या कि ये उन पेड़ों पर ही अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, अपना जीवन पेड़ों पर ही व्यतीत करते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? ये वृक्षों पर ही क्या करते हैं? उन पर रहकर ही अपना भोजन जुटा लेते हैं। भोजन जुटाने में ये सक्षम होते हैं या समर्थ होते हैं। पेड़ों पर ही क्यों जुटा रहे हैं ये? क्योंकि पेड़ क्या है? इनके आवास स्थान है। पहले हमने इसकी विशेषताओं के बारे में बता दिया था कि ये क्या करते हैं? पेड़ों पर ही रहते हैं, अपनी लाइफ पेड़ों पर ही बिताते हैं, और क्या करते हैं? अपनी जो जितनी भी किराए होती है वो सब पेड़ों पर ही करते हैं। और ये जब पेड़ों पर रह रहे हैं तो ये क्या होते हैं? ये जमीन पर कभी कभार आते हैं। कभी कभार क्या होते हैं? ये जमीन पर आते हैं। तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं?
इन जीवों के अडेप्टेशन, इनके अनुकूलन। तो हमने बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखी कि ये क्या कर रहे हैं, पेड़ों पर हर एक्टिविटी कर रहे हैं, पेड़ों पर ही हर काम कर रहे हैं। तो वहाँ पे ये सब क्रियाएं करके क्या कर रहे हैं, ये वही बात आती है हर जगह घूम फिर के, जो हम आपको काफ़ी टाइम से पढ़ा रहे हैं कि हर जीव क्या कर रहा है, अपने आप को सर्वाइव कर रहा है, अपने आप को जिंदा रखने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। अपने आप को सर्वाइव करने के लिए वो अपने आप को ही चेंज कर रहा है। किसके हिसाब से? परिस्थितियों के हिसाब से, जो सिचुएशंस हैं उनके हिसाब से, ताकि वो आसानी से जिंदा रह सके। तो हमने और भी बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें किसके बारे में पढ़ी, लो एंड टेल लंगूर के बारे में, आप देख सकते हैं इसको। तो इनका दूसरा नाम क्या था? दाढ़ी वाले एप्स। नेक्स्ट आता है, ये पाए कहाँ जाते हैं? पश्चिमी घाट के वर्षा वनों में। अगला इनकी विशेषताएं आती हैं, अयाल किसको बोल रहे हैं? इसके सिर के चारों ओर जो सफ़ेद चांद जैसे रंग की प्रेजेंट है, जो भी परत, उसको बोल रहे हैं अयाल। इसके बाद आता है कि इस अयाल का रंग कैसा है? चांदी जैसा। और ये अपना जीवन कहाँ व्यतीत कर रहा है? पेड़ों पर। नेक्स्ट आता है, जब लाइफ अपनी पेड़ों पर कंप्लीट कर रहा है तो ये क्या कर सकता है? पेड़ों पर आसानी से चढ़ सकता है, उतर सकता है, अपनी सारी एक्टिविटीज़ पेड़ों पर कंप्लीट कर सकता है। नेक्स्ट आता है इसका भोजन। भोजन क्या होता है इसका? मुख्य रूप से तो फल होते हैं, पर बीज, तने, पत्तियाँ या फिर फूल, या जो फूल आने से पहले जो कलिकाएँ होती हैं, बर्ड्स होती हैं, उनको भी ये क्या करता है? भोजन के रूप में ग्रहण करता है। यानी कि ये पेड़ों से संबंधित ही सारे काम कर रहा है, उसी पे रह रहा है, उसी को भोजन के रूप में ग्रहण कर रहा है। तो ये क्या हो गए इसकी विशेषताएं। अगली इसकी विशेषता आती है कि इनके अलावा, इस भोजन के अलावा ये क्या कर रहा है कि वृक्षों की छाल है, उसके अंदर कीड़े मकोड़े जो भी रहते हैं, उन जीवों की खोज करता है। उनको भी क्या करता है? छोटे छोटे जो कीट होते हैं, इंसेक्ट्स जो होते हैं, उनको ये भोजन के रूप में ग्रहण करता है। तो ये इसकी एक और विशेषता हो गई। एंड नेक्स्ट आता है कि ये जब पेड़ों पर रह रहा है तो ये क्या कर सकता है? पेड़ों पर ही सारी अपनी एक्टिविटीज़ कंप्लीट कर सकता है, उसी पर अपने जो भोजन है उसको जुटा सकता है, अपना भोजन अपने आप ही उपलब्ध कर सकता है। अगला है कि ये क्या करते हैं जब ये पेड़ों पर लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, तो ये क्या है? भूमि पर कभी कभार आते हैं, भूमि पर नहीं आते हैं। तो ये थी इनकी विशेषता। अब हम आते हैं कि इस पर क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये लंगूर का दूसरा नाम पूछ सकते हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे पाए जाने वाला लो एंड टेल्ड लंगूर, उसका दूसरा नाम बताइए, ये पूछ सकते हैं आपसे। इसके बाद पूछ सकते हैं कि ये कहाँ पाया जाता है, यहाँ से भी बन सकता है क्वेश्चन। फिर इसकी एक स्पेशल विशेषता क्या? अयाल। ऐसे पूछ सकते हैं, अयाल किसे कहते हैं, या लो एंड टेल लंगूर में पाए जाने वाली अयाल का रंग कैसा होता है, या फिर ये अयाल कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, ये पूछ सकते हैं। अगला है तो लंगूर आना तो भूमि पर भी चाहिए, बट ये अपना लाइफ साइकिल कहाँ कंप्लीट करता है, अपना जीवन कहाँ बिताता है, उसके बारे में क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि इनका भोजन क्या होता है, ये भोजन के रूप में क्या ग्रहण करते हैं। तो आप बता सकते हैं, फल, बीज, तने, पत्तियाँ, इन चीज़ों को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। और भी तो क्या करते हैं, ये पेड़ की जो छाल होती है उसमें छोटे छोटे कीट पाए जाते हैं, उन कीटों को भी क्या करता है? भोजन के रूप में ग्रहण करता है। और कभी कभार क्या आते हैं? ये भूमि पर आते हैं। तो ये इनके इस तरीके से इनमें क्या बनता है? क्वेश्चन बनता है कि इन जीवों की विशेषताएं बताइए। तो हम जीवों की बहुत इंटरेस्टिंग जो स्पेशलिटीज़ है उनके बारे में पढ़ रहे हैं,
तो यहाँ हमने जो बंदर है उसकी क्या स्पेशलिटीज है उसके बारे में पढ़े, तो आपको आराम से आप इसे याद रख सकते हैं कि कैसे अयाल प्रेजेंट है, अयाल प्रेजेंट है पेड़ों पर आसानी से चढ़ सकता है, खाना क्या है फल फूल हैं और आगे छोटे छोटे कीट, तो ये आपको याद रखने में परेशानी नहीं होगी। दूसरा आप इसका नाम पूछ सकते हैं, नाम याद रख सकते हैं, वैसे तो नाम क्या है इसका, लोयन टेल लंगूर, क्योंकि इनको एप्स बोलते हैं, तो इनका दूसरा नाम क्या हो गया, क्या बोलते हैं इनको, दाढ़ी वाले लंगूर, लोयन टेल लंगूर है इसका नाम तो मुख्य, और दूसरा नाम क्या बताया इनका, दाढ़ी वाले एप बोलते हैं इनको। और पाए कहाँ जा रहे हैं ये, वैसे तो मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में, लेकिन यहाँ पे उष्णकटिबंधीय के किस क्षेत्र में, पश्चिमी घाट उसके जो वर्षावन है वहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो हम जीवों की इंटरेस्टिंग जो भी चीज़ें उनके बारे में पढ़ रहे हैं, मेंढक के बारे में पढ़ा हमने, उससे पहले हमने ध्रुवीय क्षेत्र था, जैसे जो भालू हैं भालू के क्या करेक्टर्स हैं, पेंगुइन, और फिर हमने मेंढक के बारे में पढ़ा कि जो मेंढक होता है उसकी आँखें लाल होती हैं, वो जो बर्फीले क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु होते हैं उनका उनकी स्किन का जो कलर है वो बर्फ़ से मिलता है, फिर हमने ऐसे ही पक्षी टूकन के बारे में पढ़ा, फिर बंदर के बारे में पढ़ा, ऐसे ही फिर हमने जो शिकार करने वाले जंतु हैं उनके बारे में पढ़ा, और अब हमने किस बारे में पढ़ा, लोयन टेल्ड लंगूर, इस लंगूर के बारे में। तो आराम से आप इसमें से क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तो ये हम किसके बारे में पढ़े आज, लोयन टेल्ड लंगूर के बारे में। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कमेंट और लाइक करके हमें अप्रिशिएट करें, और टॉपिक से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, यहाँ आपको हर क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाएगा। और हमारे वीडियोस को रेगुलर पाने के लिए इंटरनेट पढ़ाई को सब्सक्राइब करें, और इस क्वालिटी एजुकेशन के मिशन को पूरा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुँचाने के लिए व्हाट्सएप एंड फेसबुक पर शेयर करके हमारा साथ दें।